नमस्कार, आप सुन रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का साल 2023 का आखिरी पॉडकास्ट। एक तरफ हम सभी के मन में नववर्ष में नव संकल्पों के साथ प्रवेश का उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ 2023 में हमारे देश को मिली ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व भी है। हर नया वर्ष इतिहास के पन्नों में अपना एक अलग स्थान रखता है। भारत के इतिहास में 2023 भी एक अहम वर्ष के तौर पर चमकता नजर आएगा। इस साल भारत ने कई ऐसी पहलों को अंजाम दिया जिनके माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति और मजबूत हुई। G20 सम्मेलन एक ऐसा आयोजन रहा जिसमें हमारे देश ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। भारत ने G20 की अध्यक्षता को एक नई परिभाषा दी। भारत ग्लोबल साउथ की भी मुखर आवाज बनकर उभरा और वसुधैव कुटुंबकम व जन भागीदारी की गूंज विश्व भर में सुनाई दी। भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, जिसके बाद हमारे देश को मोटे अनाज के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने श्री अन्न योजना की शुरुआत की। किसी भी देश का चेहरा होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। आज जब भारत ने अपने औपनिवेशिक काल के निशानों को पीछे छोड़ अमृत काल में कदम रखा है, तो इस दौर की भव्य इमारतें नए भारत का चेहरा बन रही हैं। 2023 में देश को नया संसद भवन मिला, जहां आधुनिकता के साथ पुरातन परंपरा और संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। साथ ही यहां कुछ नई परंपराएं भी शुरू हुई, जिनमें सेंगोल की स्थापना प्रमुख है। इसके साथ साथ भारत मंडपम, यशोभूमि और सूरत डायमंड बोर्स भी 21वीं सदी के भारत की तस्वीर दर्शाते हैं। अब बात करते हैं विज्ञान और तकनीक की। 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नई ऊंचाइयों को छुआ। इसरो की उपलब्धियों में सबसे पहला नाम मिशन चंद्रयान 3 का है। चंद्रयान 3 के बाद इसरो की बड़ी उपलब्धि सौर मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग रही। 2023 में रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने कई आयाम गढ़े। तीनों सशस्त्र सेनाओं में भारत में बने हथियारों को शामिल किया गया, जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को प्रदर्शित करते हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और नेतृत्व कर रही हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि पॉलिसी मेकिंग में भी नारी शक्ति अपना योगदान दे और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाए। इस वर्ष महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करने वाला नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून बना। देश में जब हम नित नई प्रगति कर रहे हैं, तो वहीं विदेशी जमीन पर हमारे खिलाड़ी शान से जीत की इबारत भी लिख रहे हैं। इस साल खेल जगत में भारतीय एथलीट्स ने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया। एशियाई खेलों में पहली बार भारत ने पदकों का शतक जमाया और पैरा एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचा। इन्हीं सब कारणों से 2023 को एक ऐसे वर्ष के तौर पर याद किया जाएगा, जब भारत ने अपनी नई पहचान के साथ साथ अमृत काल का अपना मार्ग प्रशस्त किया है। 2024 में भी हमारी यही कामना रहेगी कि भारत तेज रफ्तार से नव संकल्पों के साथ आगे बढ़ता रहे। जय हिंद।